तो क्या आप लोग भी क्राफ्ट्समैन खेल खेल के बोर हो चुके हो? हाँ, वही पुराने टेक्सचर्स जो कि बकवास से हैं, या फिर अगर आप बोर हो जाओ तो पेड़ काटना, या फिर इस काम से भी आप अगर उब जाओ तो इन मासूम जानवरों को बेमतलब में पागलों की तरह मारना। अब हमारे पास जैसे इन सब के अलावा कुछ और बचा ही नहीं है, या फिर अगर कुछ ज़्यादा ही बोर हो रहे हो तो फिर जाके सर्वर में किसी प्लेयर से पंगा ले लेना या फिर मिनी गेम खेल लेना। अब तो जैसे हमारा क्राफ्ट्समैन बिल्कुल बोरिंग हो चुका है, लेकिन आप लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं यानी पीए गेमिंग आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेके आ चुका हूँ, जिसके जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप क्राफ्ट्समैन में मॉडिंग कैसे कर सकते हो। एंड भाई, आई स्वेयर टू गॉड कि मॉडिंग करने के बाद आप लोगों का गेम 100 times बेटर हो जाएगा पहले के मुकाबले। मैं आपके गेम को, मतलब आपके क्लासिक गेम को इस तरीके से चेंज करके कुछ इस तरीके का बना दूंगा, या शायद इससे 1000 times बेटर बना दूंगा। फिलहाल तो आप लोगों को कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा होगा सिवाय एक्सरे के और इन फालतू के कुछ लिखे हुए जो ऊपर लिखे हुए आ रहे हैं, जिससे कि आप लोगों का FPS वगैरह वगैरह का पता चल रहा है। लेकिन बिलीव मी, इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें आपको मैं सीरीज बाय सीरीज देता रहूँगा, जैसे मैं आपको सर्वर्स देता हूँ। बस इस पे आप लोगों को ज़्यादा ही सपोर्ट दिखाना है, बाकी सब तो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो चलो गाइस, वीडियो को बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जाने वाले लगभग 15 मिनट की, वैसे रिकॉर्डिंग तो 1 घंटे से भी ज़्यादा की हुई थी, बस मैं इसे काट पीट के किस तरीके से 15 मिनट तक पहुँचा दूँगा। ओके, सो आप लोग जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे या कमेंट में भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोगों को 2 लिंक मिलेगी, आपको उन दोनों का डाउनलोड कर लेना है। देन आपको अपने फाइल मैनेजर में आके डाउनलोड में आपको टूल बॉक्स पे आपके इस तरीके से क्लिक करना है एंड इंस्टॉल कर लेना है। ओके गाइस, इसके बाद आपको जेनशाइन नाम का आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। आप लोगों का माइनक्राफ्ट करके कुछ ऐसा दिखाएगा, उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। कैसे माइनक्राफ्ट बस लिखा आ रहा है, माइनक्राफ्ट नहीं होने वाला है, क्राफ्ट्समैन ही होने वाला है। बस याद रखना, आपके मोबाइल में पहले से ओरिजिनल माइनक्राफ्ट इंस्टॉल ना हो, या फिर कोई सा भी आपका टेक्सचर पैक माइनक्राफ्ट से रिलेटेड ना हो, आप लोगों को डन पे क्लिक कर देना है, आप लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा। आप लोगों को इस तरीके से आ जाना है, आपको टूल बॉक्स पे क्लिक कर देना है। ओके गाइस, जैसे कि मैं टूल बॉक्स पे अभी क्लिक कर रहा हूँ, मेरे को इस तरीके का अलाउ बोल रहा है, अलाउ कर देंगे, कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। ओके गाइस, चलो मैंने कंटिन्यू क्लिक किया एंड मेरा माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है। आप लोग देख सकते हो, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, आप लोगों को प्ले पे क्लिक करना है एंड अपना एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है, जो आप लोगों को पहले से ही पता है कैसे करना है। ओके, हमारा एक नया वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है, आप लोग वर्ल्ड देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। इसमें आप लोग को एक मैप दिखाई देगा एंड नीचे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखाई देंगे, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा औसम है, बट ये तो बस स्टार्टिंग है यार। ओके गाइस, तो यहाँ आने के बाद आप लोग को, चलो मैं जल्दी से दिखाता हूँ, आपको इन्वेंट्री ऑन करना है। यहाँ पे आपको चाकू छुरा नग दिखाई देगा, मतलब आपको पिकेक्स और स्वॉर्ड दिखाई देगी, आप लोग इस पर क्लिक करोगे। फिलहाल लेकिन आपको दिखा देता कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, आप लोगों को कुछ ऐसे ऐसे ब्लॉक्स मिलेंगे जो कि आप लोग को नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं मिलते, आप लोगों को सिर्फ सर्वर में मिलते हैं एंड वो भी कमांड मार के ही मिल सकते हैं। तो आप लोग को ये अब नॉर्मल ओवर वर्ल्ड में भी देखने को मिल जाएगा एंड या आप इन सबको सर्वर में भी यूज़ कर सकते हो, बस आप लोग को सर्वर में जाके आपको लोकल सर्वर पर क्लिक कर देना है। ओके, जाके यहाँ पर आने के बाद आप लोग कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। चलो यहाँ पर पोर्टल ले लेते हैं। ओके गाइस, इसके बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको नॉर्मल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग को सिर्फ सर्वर में मिलती थी। ओके गाइस, तो यहाँ आने के बाद आप लोग को एक सर्च मारने का ऑप्शन भी मिलेगा अपनी इन्वेंट्री में, मतलब आप लोग को अब सामान ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली सर्च मार सकते हो। ओके, सो यहाँ पर आप लोग को कुछ अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स दिखाई देंगे, आप लोग देख सकते हो, जैसे नेदर रिएक्टर कोर जो अब के समय में माइनक्राफ्ट से रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन पहले के समय में था। ओके, सो आप लोग को एक और ये चीज मिलेगा, लेकिन मैं इसे प्लेस करूँ तो अभी भी नेदर रिएक्टर कोर की तरह ही हो रहा है। तो चलो आप लोगों को नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ, जो कि ग्लोविंग ऑब्सीडियन, आप लोग इसे भी देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखने में है। तो चलो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्या है। आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो टाइल है ना मूविंग ब्लॉक नाम का, ये कोई काम का नहीं है, मैं इसे प्लेस नहीं कर सकता, सेम यही चीज कैमरा के साथ है। ओके गाइस, तो यहाँ आने के बाद आप लोग थर्ड ऑप्शन पे आओगे, आप लोगों को यहाँ पे एड टेलीपोर्ट नाम का मिलेगा, इसमें आप लोगों को बेसिकली कुछ भी लिख देना है, जैसे मैं पीए गेमिंग लिख रहा हूँ। चलो एक सब्सक्राइब लिखते हैं, एक सेकंड, जिससे लगता है मैं सब्सक्राइब नहीं लिख सकता, छोटी चीज़ें लिख सकते हैं, चलो इसे मिटाता हूँ। ओके, इसके बाद आपको ऐड कर देना है एंड आप लोगों को ये ऐड हो जाएगा। अभी आप लोग कहोगे इसे ऐड करने से हुआ कि, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके की चीज़ होगी, आप लोग देख सकते हो यहाँ लिखा है पीए गेमिंग 2 meter 3 meter, ये मेरे मतलब डिस्टेंस बताता रहेगा कि मैं कितनी दूर जा रहा हूँ। बेसिकली ये कुछ यही काम करता है आई थिंक, मुझे तो बस यही काम पता है इसका। तो चलो आप लोग को अब नेक्स्ट चीज़ दिखा दो क्या है। गाइस, यहाँ पे आप लोग कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हो, जैसे कि मान लो आप लोग सामान ढूंढने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वीट, चलो मैं वीट लिखता हूँ। ओके, चलो स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, वीट।
ओके okay, मैंने यहाँ पे एक वीट निकाल लिया, तो आप लोग देख सकते हो मैं कुछ भी चीज निकाल सकता हूँ, मुझे ढूंढने की जरूरत है। फिलहाल मुझे स्वॉर्ड चाहिए, तो चलो मैं स्वॉर्ड ले लेता हूँ डायमंड का, एंड इसके बाद मैं आपको इंचांट करके दिखाता हूँ। आपको बस थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन पे आना है, आपको इंचांट पे क्लिक कर देना है, देन स्वॉर्ड पे क्लिक करके आप लोग कितना भी इंचांट चढ़ा सकते हो, कोई सा भी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे शार्पनेस 10 लगा चुका हूँ इस वर्ड में, आप लोग 1000 तक साइज से लगा सकते हो। ओके तो मैंने शार्पनेस 10 लगा दिया, एंड यही इतना पावरफुल है कि वन हिट इस वर्ड बन चुका है इस समय, पर किसी भी जानवर को वन हिट में खत्म कर दे रहा है। मतलब आप लोग समझ सकते हो कितना इंटरेस्टिंग है ये। ओके सर चलो मैंने बहुत मजे ले लिए इनसे, अभी मैं आप लोग को नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ओके तो चलो यहाँ से हटाते हैं एंड अपने यहाँ आते हैं। ये जो आपको स्वॉर्ड और पिकेक्स करके मिल रहा है, आप लोग इधर मॉड का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग इससे जैसे क्लिक करोगे आप लोग सर्वाइवल में आ जाओगे। एंड अब आप लोग बता दो कि आप लोग स्पैम कमेंट कैसे कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को कुछ भी लिखना है, मैंने हेलो लिख दिया, आपको प्रीवियस कमांड ऊपर मिलेगा उस पर दबा के आपको नेक्स्ट करते रहना है। आप लोग इस तरीके से स्पैम कमेंट कर सकते हो, आप लोग समझ चुके होगे लोग कैसे स्पैम चैट करते हैं। ओके तो चलो बहुत बता लिया इसके बारे में भी, अब चलो नेक्स्ट चीज बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग वापस इन्वेंट्री खोलना है, ये तलवार पिकैक्स वाले ऑप्शन पे जाना है, आप लोगों को नैदर करके कोई ओवरवर्ल्ड करके कुछ मिलेगा, उसे दबाओगे तो आप लोग नैदर में पहुंच जाओगे। एंड देख सकते हो भाई कितना लकीएस्ट स्पॉन मिला है मुझे यार, कि स्पॉन के समय ही मुझे यहाँ पे फोर्ट्रेस मिल चुका है। बाय द वे वीडियो से भटकते नहीं है, चलो अपने ओवरवर्ल्ड में चलते हैं। ओके एंड यहाँ पे ये भी खड़ा है, आप लोग देख सकते हैं मैं ओवरवर्ल्ड में आ चुका हूँ। यहाँ से मान लो मुझे वहाँ जाना, मैं कैसे जाऊँगा, मैं सर्वाइवल में हूँ। मैं आप एक बार फ्लाई के ऑप्शन को इनेबल कर दूंगा, मैं अब सर्वाइवल में भी फ्लाई कर सकता हूँ, बट संभल के क्योंकि डैमेज तो पड़ता ही पड़ता है। ओके गाइस तो चलो आप लोग को नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ मैं, जो कि है नो क्लिप, मुझे नहीं पता ये क्या है तो इसको रहने देते हैं। एंड यहाँ पे हेल्थ का ऑप्शन मिल रहा है, मैं कितना भी सेट कर सकता हूँ इसे, मान लो मैं 50 सेट कर रहा हूँ, मुझे दिखाई तो 10 ही दे रहे हैं लेकिन एक्चुअली में मेरी हेल्थ अभी 50 है। ओके गाइस तो चलो अभी आप लोग को नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ मैं, ये लेवल आप लोग का लेवल आखिर है क्या। अगर आप लोग इसे 100 कर लोगे तो आप लोग देख सकते हो अपनी एक्सपी 100 हो चुकी है बिना किसी मेहनत के। एंड यहाँ आने के बाद आप लोगों को एक और ऑप्शन दिखाई देगा, चलो मैं ऊपर आके दिखा देता हूँ आपको, हेल्थ का हंगर का। आप लोग इसे करोगे तो आपका हंगर रिस्टोर हो जाएगा, आप नॉर्मल है। फिलहाल नीचे गेम स्पीड मिलेगा, मैंने इसको बिल्कुल ही कम कर दिया, आखिर इसे हुआ क्या मुझे पता है, आप लोगों को समझ नहीं आया। चलो मैं क्रिएटिव में आता हूँ फिर आप लोगों को नॉर्मली समझाता हूँ आखिर हुआ क्या। मैं यहाँ पे क्रिएटिव में आ चुका हूँ एंड देन मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक बो। अभी मुझे बो की जरूरत है आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। बेसिकली अभी हमारे गेम की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मेरा गेम कोई लैग नहीं कर रहा बल्कि गेम की स्पीड ही बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। रुको मैं आप लोग को बो एरो शूट करके दिखाता हूँ कि हमारे गेम की स्पीड कितनी कम हो गई है। एंड यहाँ पे मैं एरो शूट करता हूँ, आप लोग एरो को निकलते हुए देख सकते हो। अगर आप लोग यूट्यूबर हो तो आप लोग सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हो उससे, बहुत ज़्यादा एपिक एपिक। एंड यहाँ पे चलो मैं आप लोग को एक ब्लॉक तोड़ के दिखाता हूँ कि ब्लॉक टूटने का एनिमेशन यानी पार्टिकल किस तरीके से फैलता है। ओ माई गुडनेस भाई, ये कसम से एपिक है यार, मैं इसको चाहूँ तो पूरा दिन इंजॉय कर सकता हूँ। आप लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें इंजॉय कर सकते हो, आप लोग आप पार्टिकल्स देख सकते हो यार, कितना ऑसम लग रहा है। एंड फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं एक और एरो शूट कर रहा हूँ, मैं भाई पूरा टाइम इसी में वेस्ट कर दूंगा। चलो मैं अपने सेकंड चीज़ दिखाता हूँ, मतलब नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ। ओके सो यहाँ आने बाद आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे पहले गेम स्पीड नॉर्मल कर लेता हूँ। एंड यहाँ आने बाद प्लेयर स्पीड, अगर मैं इसे कम कर दूंगा ना मेरी स्पीड भाई बहुत स्लो हो जाएगी। एंड यहीं पर अगर मैं इसे पूरा फास्ट कर देगा मैं फ्लैश बन चुका हूँ भाई, अभी नॉर्मल ओवरवर्ल्ड में बिना किसी पोर्शन के इफेक्ट के इतनी तेज भाग रहा हूँ कि मैं फ्लैश बन चुका हूँ। तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हो बिना किसी झंझट के। तो चलो फिलहाल मैं इसे कम कर देता हूँ एंड चलो आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ जो कि है टाइम का। अगर मैं टाइम को फर्स्ट पे टिक कर दूंगा तो रात हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर इसी को अगर मैं सेकंड पे कर दूंगा तो हमारा भरी दोपहर हो चुकी है। फिलहाल मुझे ये मौसम पसंद आया, चलो नीचे करते हैं। यहाँ आपको स्टॉप टाइम का ऑप्शन मिलेगा, अगर आप इसे इनेबल कर दोगे ना तो आप लोग का समय यहीं पर स्टॉप हो चुका है, अब डे नाइट साइकिल नहीं होगा यानी रात नहीं होगी, हमेशा दिन ही रहेगा। अब चलो यहाँ आने के बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ, डिसेबल ब्लॉक टिक, मुझे नहीं पता क्या है। ऑलवेज स्प्रिंट अगर आप ऑन कर दोगे ना सिंगल क्लिक में आप लोग स्प्रिंट करने लग जाओगे, मतलब ये बेसिक सी चीज़ है बट मुझे ख़राब लगती है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। आप लोगों को भी सलाह दूंगा भाई बंद ही रखना बिकॉज हंगर बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है। यहाँ आने के बाद आप लोगों को एक वेदर का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग इसे अगर सेकंड पे टिक कर दोगे तो यहाँ पे बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग देख सकते हो। एंड यहीं पर अगर आप लोग इसे थर्ड पे टिक कर दोगे ना
तब आप लोगों का थंडर स्ट्रॉम स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग ये भी देख सकते हो। बट फिलहाल मुझे क्लियर वेदर पसंद है। चलो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ वेदर को। ओके सो वेदर क्लियर हो जा। ओके क्लियर हो गया। ओके गाइस तो चलो यहाँ पे आने के बाद अभी हम अपनी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं जो कि है हमारा पोशन इफेक्ट। भाई मेरा फेवरेट चीज़ है, अगर आप लोग ऐड पे क्लिक करोगे ना आप लोगों को इतने सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। मैं जंप बूस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एम्पलीफायर यानी कितने ब्लॉक्स ऊंचा जाना चाहोगे या कितनी अपनी वैल्यू रखना चाहोगे इसकी ये चीज़ है। चलो मैं इसे 15 के आसपास रख लेता हूँ, 11 काफ़ी है आप लोगों को समझाने के लिए। इसके ड्यूरेशन 177W कर देता हूँ मतलब अनलिमिटेड। ओके तो आप लोग देख सकते हैं मेरे को जंप इफेक्ट मिल चुका है, 11 ब्लॉक का जंप इफेक्ट इतना ज़्यादा है। अगर मैं इसको फुल कर देता तो भाई मैं तो शायद स्पेस में ही पहुंच जाता यार। तो आप लोग इंजॉय कर लेना, आके आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर फुल कर दोगे तो आप लोग कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो। फिलहाल मैं नहीं करूंगा, आप लोगों का मजा किड़किड़ा नहीं करूंगा। आप लोग रिमूव वॉल पे क्लिक कर देना अगर आप लोग को कोई इफेक्ट नहीं चाहिए तो। नेक्स्ट मिले आएगा आपको कीप इन्वेंटरी का ऑप्शन, अगर आप इसे इनेबल कर दोगे एंड आप अपने आप को मार दोगे तो फिर आप लोगों का कोई सामान ड्रॉप नहीं होगा, आपके इन्वेंट्री में ही रहेगा। खैर आपको ये पता ही होगा क्योंकि ये माइनक्राफ्ट में बहुत पुराने समय से, लेकिन अब हमारे क्राफ्ट्समैन में भी आ चुका है, मतलब आया नहीं है, मॉड के सारे हम लोगों ने लाया है। इसके बाद आपको एंटिटीज करके कुछ मिलेगा, यहाँ पे आपको स्पॉन मिल जाएगा। आप लोग एंटिटीज पे क्लिक करके आप कोई भी चीज़ स्पॉन कर सकते हो इनमें से। मान लो मैं यहाँ पे लाइटनिंग बोल्ट को सेलेक्ट करता हूँ। ओके तो लाइटनिंग बोल्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ऊपर एंसिट स्पॉन मोड कुछ मिल रहा है। आप लोगों को बता दो क्या है, आप लोग किसी भी सामान से अगर जमीन को क्लिक करोगे आपका लाइटनिंग स्ट्राइक होना लग जाएगा। ओके मैं मर चुका हूँ, फिलहाल एग्जिट स्पॉन कर देते हैं एंड इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ क्या है। फिलहाल मैंने इसे एग्जिट कर दिया, मतलब अब कोई फ़ायदा नहीं इसका, अब मैं वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट आपको इसी के बगल में मॉब्स देखने को मिलेगा, आप लोग मॉब्स भी स्पॉन कर सकते हो इससे। मानो मेरा फेवरेट मॉब है आयरन गोलम, तो मैं आयरन गोलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ है आयरन गोलम भाई? ओके यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया एंड अब मैं स्वॉर्ड लेके या कोई भी चीज़ लेके अगर जमीन पे क्लिक करूँगा तो मेरा आयरन गोलम स्पॉन होगा। एंड क्या ये मुझे मारेगा? हाँ मारेगा मारेगा भाई, एक बार में कितना डैमेज दे दिया। व्हाट भाई, रुक जा सॉरी। वैसे मेरा स्वॉर्ड भी कमज़ोर नहीं है, एक बार में 100 में से 60 का डैमेज दिया, अब 40 कर दिया। बट ओके तो मैंने इसे 4 से 5 अटैक में ख़त्म कर दिया। एंड चलो अपने नेक्स्ट चीज़ की ओर आते हैं जो कि है थोड़ा नीचे चलते किल। ओके तो मैं अगर इसे ऑल कर दूंगा तो फिर मैं सारे एंटिटीज को मार दूंगा, नॉर्मल सा चीज़ें आप लोग देख लेना उसे। या आने पर आपको मॉड का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे शो बटन इन गेम मिलेगा, आप लोग इसे अपने आप से कस्टमाइज कर सकते हो आपको कौन सा बटन कहाँ रखना है। मैं यहाँ पर फिलहाल 2 ही बटन मिला है, एक एक्सले का है ऊपर एक एम का। एम से आपकी इन्वेंट्री ओपन होगी एंड एक्सले का ऑप्शन क्या यूज़ आएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। सेकेंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा शो एक्सले टूगल इन गेम, आपको इसे ऑन कर देना है। आप लोग को यहाँ पे एक्सरे का बटन मिल जाएगा, आप लोग जैसे ही इसे क्लिक करोगे आप लोग को सारे ओर्स दिखाई देंगे कौन से और कहाँ है। आप लोग मतलब समझ चुके हो क्या करना है इसमें आपको। अब आपको डायमंड ढूंढना वैसे मजाक हो चुका है, आपको सब दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ढेर सारे कोल दिखाई दे रहे हैं, क्या यहाँ सच में है? तो आंसर है यस, यहाँ सच में कोल है एंड उसी मैनर में है जिस मैनर में मुझे एक्सरे में दिखाई दे रहा है, मतलब ये बिल्कुल वर्किंग एक्सरे है, कोई भी फेक इमेज नहीं डाल रहे हैं। ओके तो चलो मैं यहाँ से ऊपर आता हूँ, फिलहाल फंस चुका हूँ। एंड यहाँ आने के बाद आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी वो है शो मिनी मैप इन गेम। आप लोग इसे एडिट आके इसकी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो या ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। ओके इसके बाद आप लोग को मिनी मैप दिखाई देगा गेम में, जो कि मुझे बहुत समय से दिखाई दे रहा है। मैं इसे फिलहाल बंद कर देता हूँ बिकॉज जगह बहुत ज़्यादा घेर रहा है ये। एंड चलो यहाँ पे आकर इसे बंद करने के लिए इसे ऑफ कर देंगे हम कुछ इस तरीके से। ओके एंड इसके बाद ट्री कैफेटेरिया पता नहीं क्या क्या है, मुझे नहीं पता ये सब क्या है, इसका यूज़ क्या क्या है, इन्हें हटाते हैं। एंड सबसे लास्ट में आपको शो डीबग इन्फो इन गेम दिखा देगा। मैं अगर इसे ऑन कर देता हूँ आपको जावा एडिशन की तरह सारी चीज़ें ऊपर दिखाई देने लग जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है, आप लोग कितनी जल्दी आपका फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, क्या हो रहा है, चंक कितना चल रहा है, सब दिखाई देगा आप लोगों को बिल्कुल जावा एडिशन की तरह। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही था, बहुत ज़्यादा मैंने बकबक कर दिया, मेरा मुँह सब दुखने लग गया एंड वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, आई है ना तो इस वीडियो को लाइक करना
अगर चैनल पे नए हो ना अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोग को ऐसी मॉड्स की वीडियो मिलती रहेगी अब इस चैनल पे अगर आप लोगों ने अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया है तो। इसमें नॉर्मल वीडियो से ज़्यादा मेहनत लगती है एंड आप लोग मुझे पूरा उम्मीद है सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके लाइक करके मुझे फुल हेल्प करोगे। एंड आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछ लेना। आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।